अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहजहां टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ दोस्तों एक नया टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर आप लोगों ने यूनियन बैंक का नया एटीएम कार्ड बनाया है तो आप उस कार्ड का कैसे पिन जनरेट कर सकते हैं, या आपका यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड पहले से है, आप उसका पिन भूल चुका है, तो नया पिन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं या नया पिन आप कैसे बना सकते हैं अगर आपने पिन भूल चुका है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेट एटीएम पिन में दबाने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आएगा, ओटीपी जेनरेट वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, उसके बाद एक रिसीप्ट भी आएगा और साथ ही साथ अपना मोबाइल में एक ओटीपी भी आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ओटीपी आ चुका है। अभी मेरे को क्या करना है, अभी फिर मेरे को दोबारा एटीएम को मशीन में डाल देना है। तो चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ। सेम प्रोसेस करना है, सेट एटीएम पिन। उसके बाद दोस्तों नीचे वाला ऑप्शन को आपको दबाना है, ओटीपी वैलिडेट, ठीक है। पहले मैं क्या किया, ओटीपी जेनरेट वाला जब ऑप्शन में किया, मैसेज आ गया। अभी वो उसी मैसेज से मैं ओटीपी वैलिडेट ऑप्शन को मैं क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो ओटीपी आपका मोबाइल में मैसेज आया है, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, अभी प्रोसेसिंग में है। अभी क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको पिन नंबर डालना है। मान लीजिए आप पिन नंबर भूल गया, तो आप यहाँ पे नया पिन नंबर क्रिएट कीजिए। पिन नंबर वही पिन आपको दोबारा इंटर करना है यहाँ पे। अभी प्रोसेस में आप लोग वेट कीजिए थोड़ा। देखिए पिन चेंज कंप्लीट, प्लीज टेक योर कार्ड, टेक योर रिसीप, ठीक है। देखिए ये रिसीप भी आ गया और साथ ही साथ अपना कार्ड भी बाहर आ चुका है, ठीक है। अभी जो मैं पिन चेंज किया हूँ, वो पिन मेरा काम आया कि नहीं, मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। बैलेंस चेक करता हूँ, ये आप कैश विड्रॉल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए मैं दोबारा मशीन में कार्ड को डाल देता हूँ। अभी मैं इंग्लिश बटन को दबाता हूँ। अभी मान लीजिए मैं बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस चेक करेंगे, बैलेंस इंक्वायरी में दबा देता हूँ। मेरा जो अकाउंट है कौन सा कैटेगरी का है, सेविंग अकाउंट है, सेविंग बटन को दबाएंगे। उसके बाद जो मैं पिन चेंज किया, वो पिन यहाँ पे डालेंगे। अभी थोड़ा वेट कीजिए। देखिए अभी जो मेरा बैलेंस है यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं विड्रॉल कर लेंगे तो कंटिन्यू बटन को मैं दबाएंगे, ठीक है, नहीं तो मैं कैंसिल दबा के कार्ड निकाल लेंगे, ठीक है। ये मैं कैंसिल दबा दिया, कार्ड बाहर आ चुका, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग, अगर आप यूनियन बैंक का कोई नया एटीएम कार्ड बनाया, इसी तरह आप लोग पिन जनरेट कर सकते हैं, पिन जनरेशन कर सकते हैं, या आप एटीएम का पुराना पिन भूल गया है तो आप नया पिन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी बटन को ऑन कर देना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कोई नया टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।